होम वेलकम बैक टू माय चैनल लखनऊ का नवाबी जायका। और आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं हलवाई जैसे आलू के समोसे। तो जिसके लिए मैंने देखिए 2 कप आटा लिया है, फूड प्रोसेसर में मैं गूंद रही हूँ, आप इसे हाथ से भी गूंद सकते हैं। इसमें हम डाल देते हैं 1/2 टीस्पून नमक, थोड़ा सा हम इसमें अजवाइन और थोड़ी सी हम इसमें सौंफ डालेंगे जो साबुत है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, अगर आपको नहीं पसंद है आप इसे स्किप कर सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे मोइन के लिए तेल, आप घी भी डाल सकते हैं, तो मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। तेल से बहुत ही क्रिस्पी और बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैं इसमें डाल देती हूँ अपने, ये देखिए इससे मैंने 2 भर के डाल दिया है तेल, 50 ml के करीब मैंने इसमें तेल डाल दिया है। अब इसे हम एक बार ऐसे ही सूखा घुमाएंगे ताकि हमें पता चले कि मोइन परफेक्ट है कि नहीं। तो मैं इसमें लीड लगा देती हूँ, जिससे हम इसे तो ये देखिए मैंने इस तरीके से इसे वो कर लिया है। अब इसमें से हम थोड़ा सा आटा लेकर के इसे हाथ से अपने दबा के देखेंगे, तो ये देखिए इस तरीके से मुट्ठी बन रही है। थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा ऑयल इसमें और डालूंगी। तो आपको अंदाजा इसी तरीके से लगाना है कि आप ये आटे की मुट्ठी जब बांधे तो ये मुट्ठी बन जाए, इसमें मतलब थोड़ा ये इकट्ठा हो जाए आटा, यही इसकी पहचान है। इसमें मैंने थोड़ा सा तेल और डाल दिया है, इसे हम फिर से घुमा लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से ये इस तरीके से आटा जुनने लगा है, ये देखिए ये देखिए। अब इसे हम हल्का हल्का पानी डाल करके थोड़ा सा इसका सख्त हमें आटा गूंदना है, बहुत ही सॉफ्ट नहीं गूंदना है और ना बहुत ज्यादा सख्त गूंदना है इसका आटा हमें, एकदम मीडियम और मतलब पराठे जैसा ही आटा गूंदना है, उससे थोड़ा सा ज्यादा सख्त रखें ताकि मतलब बेलने में इसे आसानी रहे और ये मतलब चिपके वगैरह ना। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इसका आटा बहुत ही थोड़ा थोड़ा हमें पानी डालना है, एक साथ इकट्ठा पानी नहीं डालना है वरना इसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये आटा एकदम गीला हो जाएगा और काफी सारा आटा मिलाने पर भी ये सही नहीं होगा। तो ये देखिए इस तरीके से दिख रहा है लेकिन ये जुड़ रहा है, इसे मैं निकाल लेती हूँ कोई बाउल में और इसे हमें क्या करना है अच्छी तरीके से इसे गूंदना है। तो आटे को हमने निकाल लिया एक बर्तन में, इसे अच्छी तरीके से मसल लिया है, मसल के से चिकना कर लिया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे ताकि आटा हमारा सेट हो जाए अच्छी तरीके से। तो समोसे की फिलिंग बनाने के लिए मैंने देखिए मसाले लिए हैं कुछ, और ये हरी मिर्चें कटी हुई हैं और ये मटर है। मसालों में मैं आपको चीजें बता देती हूँ, तो ये पीसी हुई कुटी हुई यानी कि थोड़ी दरदरी सी सौंफ है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है समोसे में, तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। और चिली फ्लेक्स लिए हैं मैंने थोड़े से, और यहाँ पे मैंने कुटा हुआ धनिया लिया है 1.5 चम्मच, और यहाँ पे 1 चम्मच मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है। समोसे थोड़े से चटपटे अच्छे लगते हैं, आप अपने हिसाब से कम कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है आमचूर पाउडर 1/2 टीस्पून लिया है, और 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज्यादा मैंने नमक लिया है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा एकदम 2 पिंच या 3 पिंच के हिसाब से मैंने गरम मसाला लिया है, बस खाली टेस्ट के लिए हल्की सी खुशबू के लिए। और मैंने लिया है 1/2 टीस्पून चाट मसाला, और हरी मिर्ची मैंने 4 से 5 हरी मिर्ची बारीक इस तरीके से काट ली है, आप इसे अगर आपको पसंद है तो ले ले वरना आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप कर सकते हैं। तो देखिए मैंने बॉयल्ड आलू लिए हैं, इसे मैंने बॉयल करके ठंडा कर लिया है, आप गरम आलू ना लें, इसे कम से कम 3-4 घंटे के लिए ठंडा कर लें, या तो आप 1 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख सकते हैं। तो मैंने इसे अच्छी तरीके से छील लिया है, इसे हमें इस तरीके से हाथों से तोड़ लेना है, ये देखिए इस तरीके से, बहुत बारीक ना करें इसे, थोड़ा सा दरदरा मोटा मोटा रहने दें, ये आते हैं मुँह में आलू के टुकड़े तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से मैं आलू को मसल ले रही हूँ। तो मैंने एक कढ़ाई रख दी है, उसमें हम तेल डालेंगे, तेल हमें बहुत ज्यादा नहीं डालना है, बहुत थोड़ा सा डालना है, मैंने 2 टीस्पून के बराबर डाला है तेल। जैसे ही हमारा गर्म होता है तो इसमें हम डालेंगे अपने जो हमने पीसे हुए पाउडर मसाले लिए और हरी मिर्च लिए, तो सबसे पहले हम हरी मिर्च और जीरा डालेंगे इसमें। तेल गर्म हो गया, इसमें मैंने डाल दिया है जीरा 1/2 टीस्पून के बराबर, और हमने जो कटी हुई हरी मिर्ची रखी थी वो भी मिर्च डाल दे रहे हैं, फिर हल्का हम चला देंगे इस तरीके से। गैस का फ्लेम लो कर दे रही हूँ मैं एकदम, और ये जो हमने पाउडर मसाले ले लिए हैं उसे हम इस तरीके से डाल देंगे,
और इसे अच्छी तरीके से एक साथ मिला देंगे। इससे मसाले बहुत अच्छी तरीके से मिल भी जाते हैं और खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। मैंने इसमें मटर भी डाल दिया है। मटर को डाल करके हम इसे अच्छी तरीके से हल्का सा भून लेंगे। बहुत लो फ्लेम रखना है कि मसाले हमारे गले ना। तो इसे मैंने अच्छी तरीके से भून लिया। अब इसमें हम डाल दे रहे हैं आलू। डालने के बाद में हमें ऐसे अच्छी तरीके से मिलाना है आलूओं के साथ में मसाले को। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की। एक दो मिनट के लिए मसालों के साथ इसे हम भून लेंगे और जो बहुत बड़े बड़े टुकड़े हैं उसे हम चम्मच से इस तरीके से तोड़ते जाएंगे। दो मिनट हो गए, हमने मसाले के साथ अच्छी तरीके से भून लिया। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, इसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब इसे हम बड़ी सी प्लेट में या थाली में निकाल लेंगे ठंडा करने के लिए। चलिए हम समोसा बनाना शुरू करते हैं। तो मीडियम साइज का हमें पेड़ा लेना है इस तरीके से। ये देखिए, नींबू से थोड़ा बड़ा साइज का लेना है। इस तरीके से हम जितने समोसे बनाना है उसका हमें मतलब जैसे हमें दो समोसे बनाना है तो एक पेड़ा ये हो गया, यानी कि ये दो समोसे बनेंगे। इसे हम रख लेते हैं इसे बना बना करके। तो चलिए इसे हम थोड़ा सा खुश्की लगा लेते हैं। इसे हम ले लेंगे इस तरीके से। हमें थोड़ा लंबे में ही बेलना है ताकि समोसे का जो शेप है वो बराबर आए। इस तरीके से कैसे लंबी सी पूरी बेल ली है। इसे हम बीच में से कट कर लेते हैं। ये देखिए, बीच में से बराबर आधी आधी हम अलग अलग कर लेंगे इस तरीके से। अब हमें एक ये टुकड़ा उठाना है हाथ में ये इस तरीके से, और इसमें हमें इस तरीके से पानी लगाना है ये, और इसे इस तरीके से हम देखिए इसे इस तरीके से यहाँ रख करके इसे हम यहाँ पे बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। आपको मैं दूसरा भी दिखाती हूँ इस तरीके से करके। तो इस तरीके से हमने इसे बना लिया है। इसमें हम डालेंगे आलू की फिलिंग जो हमने बना के रखी है। बहुत ज़्यादा ना भरे और ना बहुत ही कम भरे, बस अपने हिसाब से इतनी भरे कि जितनी समोसे में आपको लगे कि हाँ इतनी रहनी चाहिए। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से इसे भर लिया है। हल्का सा आप वहाँ अंगूठे से इसे दबा दें। ये देखिए, और ये हिस्सा इस तरीके से हमें पकड़ना है। अब इसके साइड में हमें इस तरीके से पानी लगाना है। ये देखिए, इसे पानी लगाना है ऐसे, और पानी लगाने के बाद हमें हल्के हाथों से इस तरीके से इसे दबाते चले जाना है। ये देखिए, बहुत अच्छे तरीके से ये पैक हो जाता है। ये देखिए, और इसे हमें इसे रखना है इस तरीके से ताकि ये जो समोसे का शेप है वो परफेक्ट आ जाए। देखिए, इस तरीके से हम सारे बना लेते हैं। इस तरीके से मैं आपको एक और भर के दिखा देती हूँ समोसा। ये देखिए, इस तरीके से हमने पानी लगाया इधर एक साइड में, इस तरीके से इसे इधर रखा, और ये वाला पोर्शन यहाँ पे रखने के बाद में बिल्कुल आधे आधे पे रखना है हमें, और इस तरीके से ये वाला उठा करके इसके ऊपर हमें पैक कर लेना है। फिर ये हमें इस तरीके से पकड़ के ये ऐसे पकड़ लेना है यहाँ पे ऐसे। अब जो हमारी फीलिंग है वो इसके बीच में हम भर देंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए, आलू को हम इसे भर लेंगे इसमें। आलू भरने के बाद में इसमें हम साइड में इस तरीके से पानी लगाएंगे हल्का हल्का। पानी लगाने के बाद में इसे हम इस तरीके से पकड़ के यहाँ पे इसे पैक कर लेंगे। देखिए, ये देखिए, बहुत आसानी से हो जाता है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये देखिए कितना प्यारा हमारा समोसा बना है। समोसों को फ्राई करने के लिए मैंने तेल गरम कर लिया है कढ़ाई में। अब इसमें हम धीरे धीरे सारे ही समोसे ऐड कर देंगे, और तेल का मैंने टेम्परेचर एकदम मीडियम रखा है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। जितने समोसे इसमें आएंगे उतने हम डाल देंगे। समोसे डालने के बाद में तुरंत ही हमें इसे टच नहीं करना है, थोड़ी देर के लिए इसे पकने देना है, उसके बाद में इसे हम टर्न करेंगे।
चलिए इसे हम टर्न कर देते हैं, एक तरफ से थोड़ी ये पक गए हैं और बहुत ही आराम से इसे हमें फ्राई करना है। एकदम सुनहरे होने तक के, परफेक्ट कलर आने तक के इसे फ्राई करना है हमें। तो देखिए समोसे हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं और एकदम परफेक्ट कलर आया है जैसा हमें चाहिए, जो अच्छे लगते हैं। तो हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो चलिए हम समोसों को सर्व कर लेते हैं। इसके ऊपर हम डालेंगे हरी चटनी। इसके ऊपर हम डालेंगे लाल चटनी, हमारी मीठी वाली जो इमली की चटनी होती है वो हम इस पर डाल देंगे। और ये इसके साथ में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आपको कैसे खाना पसंद है वो मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समोसों की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलती हूँ कोई अच्छी सी रेसिपी के साथ में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।